Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. कपूर खानदान के सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने बड़ी मकबूलियत हासिल की, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए, जिनमें से नाम आता है अपने जमाने के बड़े जबरदस्त एक्टर त्रिलोक कपूर का। आपने पृथ्वीराज कपूर का नाम सुना है, राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर का स्टारडम भी आप जानते हैं, लेकिन त्रिलोक कपूर ये कौन है? त्रिलोक कपूर दरअसल पृथ्वीराज कपूर के भाई थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पेशावर में हुई, पैदाइश भी पेशावर की ही रही। 1928 में ये कलकत्ता चले गए थे और उसके बाद अपने बड़े भाई पृथ्वीराज कपूर के साथ इन्होंने कदम से कदम मिलाए मुंबई में, रंगमंच पे काम किया और फिर फिल्मों में। इनकी पहली फिल्म रही चार दरवेश, जो कि सन 1933 में आई थी। त्रिलोक कपूर का जन्म 11 फरवरी सन 1912 में हुआ था और धीरे धीरे अपने भाई के पदचिन्हों पे चलकर इन्होंने माइथोलॉजिकल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम बना लिया। इनकी फिल्म रही सीता, जिसमें इन्होंने लव का किरदार निभाया था। फिर आई वर्मा अर्जा, सेक्रेटरी, पागल, अनाथ आश्रम वगैरह वगैरह। मुझे खोजने गए थे और देवी सीता को खो बैठे। लक्ष्मण, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। त्रिलोक कपूर ने हेमचंद्र जी को ज्वाइन किया था बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और उसके बाद सन 1947 में इन्होंने मिर्जा साहिबा नाम की फिल्म में मिर्जा का किरदार निभाया, जिसमें इनकी हीरोइन थी नूर जहां, जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थी। इस फिल्म से त्रिलोक कपूर को खासी मकबूलियत हासिल हुई। 40 और 50 की दहाई में इन्होंने बहुत सी माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया। निरुपा रॉय भी इनकी हीरोइन थी। उस जमाने में फिल्में बना करती थी जैसे कि चक्रधारी, वामन अवतार, शिव कन्या, जय महादेव, गणेश जन्म वगैरह वगैरह। कमाल की बात थी, जो इन्होंने भगवान शिव का किरदार निभाया था वो बड़ा ही मशहूर हुआ और कैलेंडर्स पर त्रिलोक कपूर की फोटोग्राफ्स हुआ करती थी, साथ में निरुपा रॉय की भी, क्योंकि उन्होंने पार्वती का किरदार निभाया था। पर 70 के दशक तक आते आते ये एक चरित्र अभिनेता के तौर पर नजर आने लगे। फिल्में रहीं कच्चे धागे, चोर चोर, नहले पे दहला और ये फहरिस्त वाकई लंबी है। इनके बेटे विजय कपूर आगे जाकर एक बड़े अच्छे डायरेक्टर बने, पर वक्त के साथ धीरे धीरे लोग त्रिलोक कपूर को भूल गए और 23 सितंबर सन 1988 में दिल का दौरा पड़ने से इनका देहांत हो गया। लेकिन कपूर खानदान का ये चिराग, जिसका नाम है त्रिलोक कपूर, इसने भी खूब नाम कमाया और अपने परिवार का नाम रोशन किया।